हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल ऑन एनवायरमेंटल साइंस। दोस्तों, आज हम टाइडल एनर्जी के पार्ट टू का न्यूमेरिकल का करेक्शन देखेंगे। दोस्तों, ये हमारी सीरीज का 27th क्वेश्चन है और आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसे ही हमारी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। देख लेते हैं क्वेश्चन जो हमें अगस्त 2016 में पूछा गया था। क्वेश्चन इस प्रकार है, एन ओशन वेव ऑफ 3 मीटर हाइट हैज अ टाइम पीरियड ऑफ 10 सेकंड। अप्रोक्सीमेट पावर एसोसिएट विद पर मीटर ऑफ वेव फ्रंट इज। इसमें चार ऑप्शन दिए हैं, 30, 45, 90, 300 किलोवाट पर मीटर। तो इसको हम देख लेंगे कि इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे और हम लास्ट क्वेश्चन में क्या गलती किए थे। जो इसमें फॉर्मूला यूज होगा वो होगा दोस्तों हमारा पावर पी इज इक्वल टू एच स्क्वायर टी। पी हमारा है पावर इन किलोवाट पर मीटर। दोस्तों आपको याद रखना है यूनिट किलोवाट पर मीटर में आपका आएगा। एच हमारा है वेव हाइट इन मीटर जो हमें गिवन दिया है 3 मीटर। और हमारा जो टी है हमारा टाइम एवरेज टाइम बिटवीन अपर मोमेंट अक्रॉस मीन इन सेकेंड, ठीक है, जो हमें गिवन है 10 सेकेंड। दोस्तों इसमें देख लेते हैं, इस फॉर्मूले में हम वाली वैल्यू पुट कर देंगे और हमारा आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। दोस्तों हमने लास्ट वाले वीडियो में पी इज इक्वल टू हाफ एच स्क्वायर टू लिया था, उसमें से दोस्तों ये 1/2 उस फॉर्मूले में यूज नहीं होगा, ये हमारा करेक्टेड फॉर्मूला है, वो हमारे वहाँ पे गलती से आ गया था। दोस्तों आप एक बार फिर इस फॉर्मूले को नोट कर लीजिए, ये हमारा करेक्टेड फॉर्मूला है। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपका वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं और मेरे चैनल को देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।